हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्ट आईएएस। सिलेक्ट आईएएस के करंट अफेयर प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम जितना भी इंटरनेशनल प्लेस, अंतर्राष्ट्रीय स्थल न्यूज़ में रहा है किसी न किसी कारण से, इनको हम डिस्कस करेंगे। आज की क्लास आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके पहले हमने जितना भी नेशनल प्लेसेस आपका न्यूज़ में रहा था किसी न किसी कारण से, उनको हमने डिस्कस किया है, और फेमस पर्सनैलिटीज़ जो आपका न्यूज़ में रही थी इनको भी हमने डिस्कस किया था। इसके अलावा दृष्टि करंट अफेयर घटना चक्र की काफ़ी सारी वीडियोस आपकी और भी आई हैं, जहां पर हमने नेशनल करंट अफेयर, इंटरनेशनल करंट अफेयर, साइंस टैक और इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर को डिस्कस किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आपको इन क्लासेस को भी ज़रूर देख लेना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपके अंतर्राष्ट्रीय स्थल हैं जो किसी न किसी कारण से आपका न्यूज़ में रहे हैं। इनमें सबसे पहले है आपके सामने इराक। तो आपको पता होना चाहिए इराक किन कारणों से न्यूज़ में था। देखिए, यह देश सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रैकोमा को ख़त्म करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा मान्यता प्राप्त पूर्व भूमध्य क्षेत्र का 8वां देश बना है 31 जुलाई 2023 को। तो इस कारण से इराक आपका न्यूज़ में था। नेक्स्ट है आपका सऊदी अरब। तो सऊदी अरब क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि इस देश द्वारा आसियान की दक्षिण पूर्व एशिया में मैत्री और सहयोग संधि TAC पर हस्ताक्षर किया गया है 12 जुलाई 2023 को। इसी के साथ यह देश इस क्षेत्रीय गुट का 51वां भागीदार बन गया है। नेक्स्ट है आपका मैक्सिको। तो मैक्सिको क्यों न्यूज़ में था? देखिए, वैज्ञानिकों द्वारा इस देश में युकाटन प्रायद्वीप के तट पर विश्व के दूसरे सबसे गहरे ज्ञात ब्लू होल की खोज की गई है। अप्रैल 2023 में यह ब्लू होल चेतुमल खाड़ी में पानी के नीचे लगभग 900 फीट की गहराई पर 147,000 वर्ग फीट एरिया में विस्तारित है। चेतुमल खाड़ी में खोजे गए ब्लू होल का नाम तामजा रखा गया है, जिसका अर्थ है गहरा पानी। वर्ष 2016 में विश्व का सबसे गहरा ब्लू होल ड्रैगन होल दक्षिण चीन सागर में खोजा गया था, जिसकी गहराई 980 फीट से अधिक है। चलिए आगे देखते हैं, ये आपके कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्थल हैं जो आपका न्यूज़ में रहे हैं। इसमें सबसे पहले है आपके सामने लुम्बिनी। तो लुम्बिनी क्यों न्यूज़ में था? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ द्वारा नेपाल में स्थित महात्मा बुद्ध की इस जन्मस्थली में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति और धरोहर केंद्र के निर्माण हेतु भूमि पूजन समारोह का आयोजन किया गया था 6 अगस्त 2023 को। इसीलिए आपका लुम्बिनी न्यूज़ में है। नेक्स्ट है आपका रूस। तो रूस क्यों न्यूज़ में है? इस देश में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर व्यापक रूप से प्रतिबंध लागू किए जाने से संबंधित कानून पर हस्ताक्षर किया गया है। नेक्स्ट है आपका नाइजीरिया। तो नाइजीरिया इस देश के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू द्वारा खाद्य पदार्थों की कमी और बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने हेतु देश में आपातकाल की घोषणा की गई थी, इसीलिए नाइजीरिया आपका न्यूज़ में था। नेक्स्ट है आपका कुआलालंपुर। तो कुआलालंपुर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा मलेशिया के इस राजधानी शहर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया गया है 11 जुलाई 2023 को। नेक्स्ट है आपका पेरू। पेरू क्यों न्यूज़ में है? इस दक्षिण अमेरिकी देश की सरकार द्वारा गुइलेन बैरे सिंड्रोम GBS के बढ़ते मामलों के मद्देनज़र राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है आपका इसराइल। तो इसराइल क्यों न्यूज़ में है? यह देश विश्व का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करेगा। नेक्स्ट है संयुक्त अरब अमीरात। तो UAE इस खाड़ी देश द्वारा अमेरिकी नेतृत्व वाले संयुक्त समुद्री बल से अलग होने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है आपका आयरलैंड। यह देश शराब उत्पादों पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला विश्व का पहला देश होगा। नेक्स्ट है आपका न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क अधिकांश इमारतों में प्राकृतिक गैस और अन्य जीवाश्म ईंधन पर प्रतिबंध लगाने हेतु कानून पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य बना है 2 मई 2023 को। इस अमेरिकी शहर के मेयर एरिक एडम्स द्वारा दीपावली पर्व पर स्कूलों में छुट्टी करने की घोषणा भी की गई है।
नेक्स्ट है आपका पेंसिल्वेनिया। इस अमेरिकी राज्य की सीनेट द्वारा दिवाली को आधिकारिक अवकाश के रूप में मान्यता देने हेतु एक विधेयक पारित किया गया है, इसीलिए पेंसिल्वेनिया आपका न्यूज़ में है। नेक्स्ट है आपका अबू धाबी। अबू धाबी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB संयुक्त अरब अमीरात में स्थित इस शहर में अपना पहला विदेशी कार्यालय खोलेगा। नेक्स्ट है आपका सीरिया। यह देश विश्व का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बन गया है। नेक्स्ट है आपका बुरुंडी। बुरुंडी इस अफ्रीकी देश द्वारा अपने देश में 30 से अधिक वर्षों से में पहले पोलियो प्रकोप की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है आपका इंडोनेशिया। इंडोनेशिया इस देश में स्थित माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, तो आपको याद रखना है माउंट मेरापी ज्वालामुखी कहाँ पर है। ये इंडोनेशिया का ज्वालामुखी है। सुंडा जलडमरू मध्य को पार करने के बाद भारतीय पनडुब्बी INS सिंधु केसरी ने जकार्ता इंडोनेशिया में डॉक किया। यह पहली बार है जब कोई भारतीय पनडुब्बी इस देश में डॉक की गई है। नेक्स्ट है आपका मिस्र। मिस्र यह देश न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हो गया है 20 फरवरी 2023 को। नेक्स्ट है आपका सिएटल। सिएटल जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी शहर बना है। नेक्स्ट है आपका अबेई। भारतीय सेना द्वारा महिला शांति सैनिकों की अपनी सबसे बड़ी टुकड़ी की सूडान के इस शहर में तैनाती की गई है। भारत द्वारा तैनात की गई यह महिला बटालियन ब्लू हेलमेट्स सबसे बड़ी एकल यूनिट है। तो अबेई ये सूडान का एक शहर है। नेक्स्ट है आपका युगांडा। युगांडा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा यह देश इबोला वायरस मुक्त घोषित किया गया है जनवरी 2023 में। नेक्स्ट है आपका किरुना क्षेत्र। किरुना क्षेत्र खनन कंपनी LKAB द्वारा स्वीडन के इस क्षेत्र में 10 लाख टन से अधिक दुर्लभ अर्थ ऑक्साइड के खनिज संसाधनों की खोज की गई है। यह यूरोप में दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का सबसे बड़ा ज्ञात भंडार है। नेक्स्ट है आपका पूर्वी तिमोर। पूर्वी तिमोर तिमोर लिस्ते इस देश को दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन आसियान के 11वें सदस्य के रूप में शामिल करने हेतु सैद्धांतिक अनुमति प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है आपका स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड इस देश की पहली ट्रेन प्रणाली की 175वीं वर्षगांठ के अवसर पर स्विस रेलवे कंपनी रहेतियन रेलवे ने विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन परिचालित कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है 29 अक्टूबर 2022 को। नेक्स्ट है आपका जॉर्जिया। इस अमेरिकी राज्य की असेंबली द्वारा हिंदू फोबिया हिंदू धर्म के प्रति पूर्वाग्रह की निंदा करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया है 27 मार्च 2023 को। जॉर्जिया इस तरह का कानूनी उपाय करने वाला पहला अमेरिकी राज्य बन गया है। नेक्स्ट है आपका डेनमार्क। इस देश द्वारा उत्तरी सागर की 1800 मीटर नीचे कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करने के लिए ग्रीनलैंड परियोजना का उद्घाटन किया गया है। डेनमार्क विदेशों से आयातित CO2 को समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश बन गया है। अगला कंट्री है आपका क्रोएशिया। क्रोएशिया यह देश यूरो जोन में शामिल हुआ है। यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने के साथ ही यह देश यूरोपीय क्षेत्र का 20वां सदस्य बन गया है। नेक्स्ट है आपका चीन। तो चीन यह देश हाइड्रोजन संचालित यात्री ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश बना है। चीन हाइड्रोजन संचालित यात्री ट्रेनों को लॉन्च करने वाला जर्मनी के बाद विश्व का दूसरा देश बना है। नेक्स्ट है आपका न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि इस देश में फलों और सब्जियों के संग्रह हेतु सुपरमार्केट में सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली पतली प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लागू किया गया है। इसी के साथ न्यूजीलैंड सुपरमार्केट में प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश भी बन गया है। इस देश की संसद द्वारा धूम्रपान मुक्त वातावरण और विनियमित उत्पाद संशोधन विधेयक पारित किया गया है। इस विधेयक का उद्देश्य 1 जनवरी 2009 तथा इस तिथि के बाद पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगाकर युवाओं को धूम्रपान करने से रोकना है, जिससे कि आने वाली पीढ़ी धूम्रपान मुक्त हो सके। यदि कोई इसका उल्लंघन करेगा तो उस पर 150,000 न्यूजीलैंड डॉलर तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं आज की क्लास में हमने जो जितना भी अंतर्राष्ट्रीय स्थल आपका किसी ना किसी कारण से न्यूज़ में रहा है उनको हमने यहाँ पर डिस्कस किया है।
तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप कि आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। आपको इसको डेली बेसिस पर फॉलो करना है, डेली आपकी क्लासेस हो रही हैं तो और भी काफ़ी सारी क्लासेस आपकी हो चुकी हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको उन क्लास को भी ज़रूर देख लेना है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।